नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रेट कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडीआई आर एंड आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर और कैपिटल आर बड़ा है इफ़ द सर्फेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू शेल्स आर इक्वल हमें बताना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर क्या होगा नाउ अगेन इलेक्ट्रोसैटिक का कंडक्टर्स का सिंपल सवाल है कैल्कुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व है बट सवाल मुश्किल नहीं है तो सुनैरियो ये है कि यह आपका एक स्फेयर बड़ा स्पेयर या आपका छोटा स्फेयर इसका रेडियस छोटा आर इसका रेडियस बड़ा आर हमने आ, एक चार्ज इस पे Q इस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया और देट विल बी इक्वल टू वन प्लस क्यू तो यहाँ पे आपने आ, मान लीजिए q1 चार्ज दिया है यहाँ पर आपने q2 चार्ज दिया है और इन दोनों का सम क्यू है क्योंकि वही जो चार्ज था वही हमने दोनों में डिवाइड कर दिया डिवाइड ऐसे हुआ है कि ये जो आपकी डेंसिटी है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन और सिग्मा टू ये दोनों बराबर हैं सो अपने को यहाँ ईवन है सिग्मा वन विल बी इक्वल टू सिग्मा टू ये गिवन है अब हमें बताना है कि कॉमन सेंटर पर आपका पोटेंशियल क्या होगा तो पोटेंशियल एट सेंटर उसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू के क्यू वन बाई आर छोटे वाले की वजह से प्लस के क्यू टू बाई आर सॉरी के क्यू टू बाय कैपिटल आर बड़े वाले की वजह से ये आपका सेंटर उस पर होगा नाव अब हमें जो यहाँ पर खेलना है वो ये है क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू हमें सेम कॉमन क्यू के टर्म में देना है बाकी सारा डेटा आपने को दिया हुआ है सो uh, वैल्यू so, आपकी क्यू वन और क्यू टू को एलिमिनेट करके हमने क्यू ले के आना है सो ना सिगमा क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है सो वी कैंड से सर्फेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ uh, इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज Q1 वन डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया यानी कि फोर पाए छोटे आर का स्क्वायर uh, छोटे आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 टू डिवाइडेड बाय फोर पाए आर टू का स्क्वायर विच एम्प्लाइज इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया uh, Q1 वन विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू ये आपका यहाँ रिलेशन आ गया ना इस इसी क्वेश्चन को अगर हम वहाँ रख दें सो हम ये कह सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं चलो पहले ये लिख लेते हैं क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू इसमें हमने क्यू वन की वैल्यू रख दी सो ये आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू टू प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू ना इसमें से अगर आप क्यू टू कॉमन ले लेंगे सो ये आपने क्यू टू कॉमन ले लिया है आ, सो ये बचा आ, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्यू विच एम्प्लाइज़ क्यू टू जो है वो क्यू की टर्म में हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर ले आते हैं क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपकी क्यू टू की वैल्यू हो गई ना इसी क्वेश्चन में अगर इसको वापस रख दें इनको नंबर कर देते हैं वन टू थ्री लेट्स कॉल दिस फोर ये आ गई आपकी फिफ्थ ठीक है सो इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ कर दें विच एम्प्लाइज क्यू वन विल बी इक्वल टू इसको अगर मैं आर वन आर टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपका क्यू टू हो जाएगा लेट्स कॉल दिस इक्वेशन सिक्स नंबर ही कर रहे हैं तो ना अब इसको वापस आप ये अपनी इक्वेशन नंबर थ्री में डाल देंगे तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दैट्स इट सेंटर पर पोटेंशियल आ गया वी सेंटर विल बी इक्वल टू यहाँ पर रखा आपने के क्यू वन की जगह ये वैल्यू रखी क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक काम करें यार यहीं पे कैंसिल कर दें प्लस uh, uh, यहाँ पे आपने क्यू टू की वैल्यू रखी के क्यू टू ये वाली वैल्यू ये आ गया नहीं के क्यू आएगा ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस आर को भी कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे तो यहीं अपना आंसर आ गया सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर ठीक है आप चार ऑप्शन देखेंगे तो चार ऑप्शन में हमें फोर पाई एप्सलॉन और ये सब भी दे रखा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं सो so, आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू के की जगह हम लिख लेते हैं वन बाय फोर पाई एप्सलोन नॉट क्यू और ये बना आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कॉमन uh, वो आ गया हालांकि सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर थ्री Uh, would be the right answer.